500 की बोनी तो तूने कर ली, अब क्या हमारी पूरी जायदाद ऐंठना चाहता है? क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है सब जान चुका हूँ मैं। सुनो तो, पापी पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे। भैया, हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ, जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है, तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी अर्थी चढ़ने वाला है। मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ देके जा तू मुझे। ये तो गया। सो रहा है? पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया, रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं इस है। फिल्म के देवदास तो आप ही हो। मुझे शूट किया, मैं इतना हैंडसम जो? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता। चल चल, दिखा दिखा। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है। जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा जलसा ही जलसा है। ओ मेरी शीला, तुम वर्त की जवानी। क्या करूं, ये तेरे सब कपड़े में इम्पोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे, मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बांटने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्ठी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहां कहां से हवा निकली बता नहीं सकता हूं, पूरा टाइम टाइम फिश। क्यों भैया, घूसा मारो मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकाल कर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई, हाँ? और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना, हाँ? तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गाँव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना, मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे जो मेरी नैया डूब चुकी है। भूमि 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 जल्दी आओ। भूमि जल्दी ऊपर आओ। भूमि भूमि, ए भूमि भूमि। मैं इसलिए चिल्ला रहा था ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों प्यार में पागल हैं, ठीक है ना? प्यार का पता नहीं पर तुम पागल हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पर तुम्हारी दोस्त तो मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाती है। बापू, उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। भूमि, हाँ? तुम पर ये लाल रंग अच्छा है, जचता है। थैंक्स, अब चलो। पेड़ में चूहे कूद रहे हैं। भाई आगे नाश्ता लाओ। क्या रे, बुला रहा है या डरा रहा है? इस डर में भी प्यार छुपा है भैया। बैठ जा। ये लो, ये दोनों तुम्हारे लिए। एक और। ये प्लेट तुम्हारे लिए नहीं है, घर वालों के लिए है। ये महालक्ष्मी बुआ है, इनकी थोड़ी तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाती है। जरा सुनिए, आप अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, पर भूमि तो किसी और की तारीफ कर रही थी। वो किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम शुरू होता था कुछ महालक्ष्मी। हाँ हाँ करेक्ट। खैर छोड़िए, खाना आप बनाए और तारीफ महालक्ष्मी की करो। और क्या कहा बताओ ना। प्लेट बदल दी। कहा तो उसने बहुत कुछ है, कोई और मुझे पसंद करे या ना करे, महालक्ष्मी जरूर पसंद करेंगी। पता नहीं कितना सच है। एक बात बोलूं? आप फिसलना नहीं। हाँ कहिए। तो महालक्ष्मी ना, मैं हूँ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आप ही हैं? हाँ। ए भूमि, कैसी बेवकूफ लड़की है, आपसे काम करवाने की उसकी हिम्मत कैसे? मैं मर जाऊं। अरे बैठो बेटा बैठो।
क्या हुआ कृष? अरे तू जा, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने पुरुष देखा, महापुरुष देखा, सब कुछ देखा, पर तू जैसा कमीना नहीं देखा। क्या कहा? मतलब क्या बंदा है रे तू? क्या हुआ? देखो, चाहिए किसी को पसंद हो ना हो, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना हो। कृष बाबू, मैं तुम्हारे लिए 2 पराठे लाती हूँ। ये बैल अब बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं है, बताइए अब इनका क्या करें? सालों से हमारे परिवार का साथ दे रहे हैं, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो कोई काम के नहीं है, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। वो रह सकते हैं तो ये बैल क्यों नहीं? भाई साहब, यह हमें खरी खोटी सुना गया। आदत पड़ गई है, क्या तुम उसकी बात मानकर चले जाओगे? मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, दशहरे का त्योहार नजदीक आ रहा है। अरे वाह, कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ आराम करता हूँ। ओए, यहाँ क्यों आया, निकल। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बाद में मैं भी तो आप ही की तरह यहाँ रहने वाला हूँ। चलो मिल बांट कर खाते हैं। यही रहोगे? क्यों नहीं भैया, मैंने आप ही से तो सीखा है, घर जमाई बनूंगा। अब क्या करें? अगर ये आया तो ये स्टार दामाद बनेगा और हम एक्स्ट्रा। कोई रास्ता निकालो ना, इसको फंसाते हैं। पर कैसे? समय बताएगा। सुनो दामाद जी, यहाँ हम ही हैं जो आपको समझते हैं, हमारी खूब पटेगी, हमारे साथ रहना। मानो लाख मना करने के बाद भी ये यही भी बैठ गया। हाँ, जब ये पूंछ हिलाता तुम्हारे बीच जा बैठा तभी मैं समझ गया था, संभल कर रहना। ठीक है, समझ गया। बेटा कृष, इसकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। ओए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं दादाजी, ये बहुत छोटी मोटी बात है, याद रखिए, काम पूरा करके ही जाऊंगा। बैंड बजा दे। अरे पापा, पापा का फोन। बेटा अभी कहाँ तुम? साउथ अफ्रीका में हूँ पापा। सुन क्रिश, वहाँ का नेशनल सफारी और जू देखना ना भूलना, अलग अलग तरह के जानवर है वहाँ जिन्हें तुमने एक साथ कभी नहीं देखा होगा। मुझे भी देना यार। पापा आप सही कह रहे हैं, मैंने इतने सारे जानवर पहली बार देखे हैं, रिश्तेदार, आई मीन चिंपांजी। चिंपांजी, आई एम मिसिंग यू मैन। मिस यू टू पापा, बाय। मेरे पापा इस गलत फहमी में है कि मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ और तुमने मुझे गांव का टूर भी नहीं कराया। सॉरी, बस 5 मिनट, अभी ले चलती हूँ। जहाँ तक नजर जाती है पूरी जगह हमारी है। अगर मैं यहाँ तुमसे शादी करने और तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने आया होता तो सिर्फ तुम्हारे बाप को नहीं, किसी के भी बाप को बुरा लगता। क्रिश, तार का रस पियोगे? अब मुझे पता चला तुम्हें किट्टू इतना प्यारा क्यों है। बताओ क्यों? तुमने देखा नहीं, जब उसे डर लगता है वो खोल में अपना सिर छुपा लेता है और वो तब खुश होता है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, तुम्हारी तरह। अबे ओए, जितना घूमना है घूम ले कमीने, तू अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्यों भाई, शादी करके विदा कर दोगे क्या? बुड्ढा बीच में आ गया इसलिए बच गया, वरना तेरी माँ फेंक कर देता। साला सुधरेगा नहीं, यहाँ लड़की है गाली नहीं देते। एक बात बताऊं तुझे, मर्द वही होता है जो जब चाहे कुछ भी कर दे, अगर मैं चाहूं ना तो बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भूमि, चल। ये शहर नहीं है जो कुंवारी लड़की को लेकर घूम रहे हो, गांव है। तुम्हें थोड़ी सी भी हमारी बदनामी की फिक्र नहीं है? मुझे तो यहाँ इस गांव में आप ही ने बुलाया है तो बदनामी की बात पहले सोचनी चाहिए थी। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि गांव में अकेली लड़की को नहीं घुमाया करते? अब मैं इसे क्या कहूं, माँ बाप के परवरिश की सारी गलती है। क्यों ने चिट्टी? हाँ भैया। तूने बताया नहीं? क्या? अरे वही, तुम दोनों प्यार करते हो, जाकर घूमो फिरो, खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़कर गाने गाओ, मामा को तो मैं संभाल लूंगा, तुमने ये नहीं कहा था?
अच्छा मैंने ऐसा कहा था? क्या रे, ऐसा बोला था? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब ये कह रहा है तो हो सकता है कि मैंने कहा होगा। क्या सोचा था, मेरा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भेज देगा? सोचना क्या था, बांध कर रेडी रखा था। एक गलती क्या हो गई, जिंदगी भर की सजा मिल गई, तेरी माँ की कसम। अब तो मैं किसका फोन आ गया? मेरी असली गर्लफ्रेंड है, बात नहीं की तो नाराज होगी। उसके पास दो अपने पास तो काम वाली की बांध दे। क्यों हीरो, सेट हो गए? भूमि को सेट कर लूं? तुम्हारी तो मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तुम भूमि की फ्रेंड बनके यहाँ क्यों नहीं आ जाती? बहुत मजा आएगा। सिर्फ 10 दिन और रुक जाओ, एग्जाम्स के बाद मैं अपने घर में हमारे बारे में बता दूंगी, उसके बाद तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कल फोन करता हूँ। कृष, आई मिस यू। मिस यू टू। बाय बाय।